इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, वड़ा, ये सारी रेसिपीज हमारे फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये सारे रेसिपीज कोकोनट चटनी के बगैर अधूरे हैं। तो आज मैं आपको तीन प्रकार के साउथ इंडियन कोकोनट चटनी की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। इसे तैयार करने की सामग्री लगभग हमारे घर पे मिल जाती है और ये सारे ब्रेकफास्ट की रेसिपी का स्वाद बढ़ा देता है। तो चलिए तीन प्रकार की कोकोनट की चटनी बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट की जो सफ़ेद वाली चटनी होती है वो बना लेते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्ची का नाप बढ़ा सकते हैं। 7 से 8 कड़ी पत्ते, जिसे करी लीव्स भी कहा जाता है, इसे डालने से चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। 1 कप बारीक कटा हुआ फ्रेश कोकोनट, मैंने यहाँ पे ताज़ा नारियल आता है वो लिया है और उसके जो छिलके होते हैं उसे निकाल लिया है। केवल सफ़ेद वाला हिस्सा ही लिया है जिससे हमें चटनी सफ़ेद कलर की बढ़िया मिलेगी। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा। मैं हमेशा जब भी ये चटनी बनाती हूँ तभी इसमें साबुत जीरा ऐड करती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इस प्रकार से ऐड कीजिए, पर इसे डालने से चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने सारी सामग्री ग्राइंड कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार से इसे ग्राइंड किया है। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। 1/2 कप पानी, जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप पानी लिया है। 4 टेबलस्पून दही, मैंने यहाँ पे जो फ्रेश दही आता है उसी का उपयोग किया है। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने सारी सामग्री पीस ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये चटनी तैयार हो चुकी है। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब इसके ऊपर एक वघार तैयार करेंगे, इससे ये चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैंने छोटी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून तेल रख दिया है। इसे मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, तेल थोड़ा सा ही गरम हो जाए तब मैं इसमें 1 टीस्पून उड़द की दाल डाल देती हूँ, 1 टीस्पून सरसों, सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। दोस्तों जब भी आप इस प्रकार से छौंक लगाए तभी तेल को बहुत ज्यादा गर्म ना कीजिएगा, नहीं तो सारा छौंक जल जाएगा। वगार बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे मैं चटनी के ऊपर डाल देती हूँ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सफेद वाली कोकोनट की चटनी बनके तैयार है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीजर के अंदर एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये 6 महीने तक चटनी बहुत ही बढ़िया रहती है और जब भी आपको खाना हो तभी आप वो डब्बे को बाहर निकाल लीजिए और चटनी को डिफ्रॉस्ट करने के बाद यूज कीजिए। दूसरी चटनी हमारी ग्रीन कोकोनट की चटनी है। 1/4 कप बुना हुआ चने की दाल, जिसे दालिया भी कहा जाता है, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, मिर्ची का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 कप बारीक कटा हुआ फ्रेश कोकोनट, नारियल का मैंने छिलका निकाल के उसका जो सफेद वाला हिस्सा है वो ही लिया है। इस प्रकार करने से हमें चटनी का रंग बहुत ही बढ़िया मिलेगा। बहुत ही थोड़ा सा हमें धनिया डालना है, 1 टीस्पून साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। 100 ml पानी, 2 टेबलस्पून दही। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ। सारी सामग्री ग्राइंड हो चुकी है, अब मैं चटनी को बोल में निकाल लेती हूँ। चटनी के ऊपर एक वघार कर लेते हैं जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये चटनी और पतली चाहिए तो आप इसमें पानी का नाप थोड़ा और बढ़ा के इसे पतला भी कर सकते हैं। छोटी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून तेल रख दिया है, इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, तेल थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तब मैं इसमें 1 टीस्पून उड़द की दाल डाल देती हूँ, 1 टीस्पून सरसों, सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। दोस्तों जब भी आप इस प्रकार से छौंक लगाए तभी तेल को बहुत ज्यादा गर्म ना कीजिएगा, नहीं तो सारा छौंक जल जाएगा। वगार बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे मैं चटनी के ऊपर डाल देती हूँ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन कोकोनट की चटनी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको हमारी तीसरी चटनी कोकोनट पीनट की चटनी सिखा देती हूँ।
मैंने पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं एक टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। आधा कप मूंगफली, जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने एक कप मूंगफली ली है, उसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। एक टेबलस्पून इमली, दोस्तों इस चटनी के अंदर इमली का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 6 से 7 कड़ी पत्ते, 3 सूखी हुई लाल मिर्च, इसे हाथों से तोड़ के डालूंगी। अब मैं सारी सामग्री को सेक लेती हूँ। हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर ही सेकना है। 9 कली लहसुन, लहसुन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। अब सारी सामग्री को सेक लेते हैं। हमें सारे मिश्रण को 1 मिनट के लिए भूनना है। सारा मिश्रण अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। हमने जो मिश्रण तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। सारे मिश्रण को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी प्रकार से दरदरा पीसना है क्योंकि हमें इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आधा कप नारियल, नारियल का मैंने छिलका निकाल दिया था और उसे लंबा लंबा कट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का उपयोग किया है, इससे हमें बहुत ही बढ़िया रंग मिलेगा चटनी का। 100 ml पानी में डाल देती हूँ। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमारी चटनी तैयार हुई है। जैसे मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल आप वही स्टेप फॉलो करके इसे तैयार कीजिए। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलती हुई चटनी की तरह हम घर पे तैयार कर पाते हैं। मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। दोस्तों मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, अगर आपको थोड़ी पतली चटनी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, पर मेरे घर में मैं हमेशा यही प्रकार की बनाती हूँ। मैं इसके ऊपर एक तड़का डालने वाली हूँ, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इस प्रकार से इसे तैयार कीजिए। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टीस्पून सरसों, 1 सूखी वाली लाल मिर्च जिसको मैंने इसे तोड़ दिया है वो ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। बघार तैयार हो चुका है, इसे मैं चटनी के ऊपर डाल देती हूँ। दोस्तों इस चटनी के ऊपर ये बघार बहुत ही बढ़िया खुशबू देता है, आप इसे ज़रूर से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, हमारी तीनों चटनियाँ बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए, और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।